हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो आज प्लान है डोसा बनाने का, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं घर में जब हमारा खाने का मन करता है तो हम डोसा कैसे बनाती हूँ। और मैं सादा ही वाला डोसा बनाऊँगी क्योंकि मसाले वाले डोसे बच्चे इतनी मन से खाते नहीं हैं, लेकिन सादा वाला डोसा बहुत मन से खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। सूखा भी खा जाते हैं, बिना चटनी के भी खा जाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। और फ्रेंड, आज है अनंत चतुर्थी। अनंत चतुर्थी आने की गणपति बप्पा के आज लास्ट दिन है। आज उनके मतलब विसर्जन हो जाएंगे सबके, जिनके भी घर में गणपति बप्पा होंगे आज सबके गणपति बप्पा के विसर्जन हो जाएगी। तो मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से अनंत चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और एक बात बता देती हूँ कि अनंत चतुर्थी से जो लोग भैया होंगे वो लोग जानते होंगे कि अनंत चतुर्थी से अब हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम बहनों का दिन स्टार्ट हो जाता है जितिया पर्व का। तो जो लोग जितिया पर्व करती होंगे उन लोगों को पता होगा कि अनंत चतुर्थी के दिन गांव वाले बोलते हैं कि आज का जो बाल वगैरह धोते हैं, नहाते हैं, बाल धोते हैं, फिर बाल उसी दिन धोया जाता है। तो ऐसा हम लोग तो नहीं करते हैं, हम लोग का जब भी मन करता है बीच बीच में बाल धो लेते हैं, लेकिन गाँव में यही कहा जाता है कि अनंत चतुर्थी के दिन बाल धो के नहाते हैं तो फिर जितिया के पर्व के दिन बाल धोते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करते, इतना दिन तक हम सबर नहीं कर सकते, लेकिन कहावत यही है बुजुर्गों का, गाँव वालों का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चाय नाश्ता के। और मिस्टर है नहीं, बाहर गए हैं घूमने के लिए और अब कॉलेज चले गए हैं। तो बस आयुष हैं, आदित्य हैं, आदित्य नहाने गए हैं और आयुष गेम पर बैठे हैं। तो मैं सोची तब तक मैं नाश्ता बना लेता हूँ। पूजा पाठ हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं फ्रेश लग रही हूँ एकदम। तो नहा धो के पूजा पाठ हो गया, बस अब स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता का। तो ब्लॉग में बने रही, 2 मिनट आप लोगों से बातें कर ली। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने उड़द दाल और चने दाल को अच्छे से धोकर रात को भिगो लिया था। गांव का मेरा उड़द दाल था, आप लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं जो मार्केट में मिलती है, और मेरे पास घर का था तो मैंने घर का लिया। और ये है चावल, और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच मेथी दाना। अच्छे से फूल चुके हैं और अब हम इसको पीस लेते हैं। 2 कलछुल मतलब यहाँ पर मैं लूँगी चावल, और 1 कलछुल यहाँ पे लूँगी चने और उड़द की दाल, और इसका मीडियम मतलब फॉर्म में लिक्विड बना लेते हैं और नमक डाल के रख देते हैं थोड़ी देर का, मतलब 2-3 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। जितना सेट होगा उतना अच्छा डोसा बनेगा फ्रेंड। 3 से 4 घंटा हो गया था, तो चलिए हम बना लेते हैं डोसा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूँगी चाय। चाय की ज़रूरत बहुत रहती है मॉर्निंग में, तो मैं चाय बना लेती हूँ, फिर इसके बाद डोसा बनाते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, फुल वॉच कीजिएगा, कहीं जाइएगा मत। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों से, अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है और दूध जो है उसकी मलाई मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि मलाई कोई खाता नहीं है, वेस्ट होने लगता है, तो मैं निकाल लेती हूँ। और मलाई निकालती हूँ फ्रेंड, हमेशा घर पे मैं मलाई से घी बनाती हूँ। तो मैं चाय को दूसरी साइड रख देती हूँ और डोसा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए, पैन मेरा गर्म हो चुका है, मैंने बैटर को डाल दिया। और फ्रेंड, सादा वाला मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं और इसमें झटपट बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। और देखिए, जो मैं घी अप्लाई कर रही हूँ ये मेरे होममेड घी है, मैं घर पे घी बनाती हूँ, उसकी भी वीडियो में बहुत बार शेयर की हूँ। और ये है गणपति में का नारियल जो चटनी बनाने के लिए, इसको अभी मैं तोड़ूँगी। तो ये देखिए,
मैं यहाँ पे चटनी बना ली हूँ और तड़का भी लगा दी। तो तड़के में मैंने यहाँ पे हींग डाला था, जीरा और खड़ा मिर्ची, कड़ी पत्ता, राई है डाला था। और ये देखिए कितने जालीदार मतलब बने हैं डोसे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। बहुत सुबह सुबह की मॉर्निंग की टाइम है और जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक मेरा मॉर्निंग नहीं होता है, तो चाय के साथ साथ नाश्ता भी कर लेते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मुँह से गले तक जा रहा है तो इतना सुकून मिल रहा है कि पूछिए मत। सच में बिना चाय पिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, ऐसी आदत लग गई है कि मॉर्निंग की चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और बहुत क्रिस्पी बना था, अच्छा लग रहा था। और बहुत लोगों को नरम डोसा पसंद है, बहुत लोगों को क्रिस्पी पसंद है। तो नाश्ता हो गया है, तो यहाँ पे फ्रेंड में डाली थी कपड़े वॉशिंग मशीन में, तो कुछ कपड़े मेरे धुल चुके थे और कुछ जो मशीन में नहीं पड़े थे दो तीन कपड़े, तो मैं सोची कि चलो इसको हाथ से ही धो लेती हूँ। तो ये देखिए मैं हाथ से ही मशीन के ऊपर ही रगड़ने का मतलब स्क्रब करने का वाला दिया है, तो मैं वहाँ पे ही धो लेती हूँ खड़े खड़े। और आज मुझे करनी है मशीन की क्लीनिंग, क्योंकि पहली बार क्लीनिंग हो रही है जब से आई है मेरी मशीन। अरे 2 साल हो गया है, 2 साल से क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि कवर डाला है तो गंदी भी नहीं होती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मशीन का कवर है इसको निकाल के और वॉश कर लेती हूँ और मशीन को भी क्लीन कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरे कपड़े उसी में धुल गए थे मशीन में, तो इसको मैं एक बार खंगाल लेती हूँ पानी में। कपड़े एक बार साफ पानी में खंगाल लेना, तो जो छोटे छोटे कड़ होते हैं, धागे होते हैं जो मशीन में नहीं निकल पाते हो, ऐसे पानी में निकल जाते हैं, एकदम साफ़ हो जाते हैं। और मैं हमेशा करती हूँ, मुझे कपड़ों के अंदर एक भी सूते, एक भी मतलब धागे, एक भी कुछ भी मुझे देखना नहीं चाहिए। जो डस्ट होता है ना, एक होता है जो कपड़ों को चिपका रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, वो सब मुझे पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा रेगुलर ही करती हूँ, डेली का आदत है मेरा। तो कपड़े मैंने डाल दिए मशीन में, स्पिन हो रहा है। और यहाँ पे मैं कवर को घस के धो लेती हूँ, क्योंकि ये तो मशीन में डालूँगी तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, तो इसको हाथ से ब्रश मारना पड़ेगा। बहुत दिन के बाद ये कवर निकाला था वॉश करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़ धो के रख दिया सूखने के लिए, और मशीन को भी अच्छे से मतलब क्लीन कर लिया था पहले कपड़े और साबुन से। इसके बाद मैं इसको पोंछ रही हूँ, सुखा रही हूँ, क्योंकि अगर क्लीन करते हुए मैं वीडियो बना देती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती थी, इसके लिए क्लीन करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बस इसको साफ़ करते हुए वीडियो बनाया है। और क्लीनिंग हो गई है, कपड़ धो के रख दिया सूखने के लिए, और जो रेगुलरी के कपड़े थे वो लेके जा रहे हूँ हैंगर पे डालने के लिए। यहाँ पे लास्ट में मैंने ये था ब्लैंकेट मेरा, मैं सोची इसको डाल दूँ वॉश हो जाए, क्योंकि स्मेल आ रही थी। तो बस आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर